थिंकिंग जो आप सुन रहे, ठीक है। तो सबस्ट्रेट एक्स था, उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दिया और आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ग्लायोक्सिल और दूसरा सक्सिनल्डिहाइड, ठीक है। ग्लायोक्सिल का फॉर्मूला CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, ये आ गया आपका ग्लायोक्सिल। और सक्सिनल्डिहाइड क्या बनेगा आपके पास, CH2 देन CHO एंड CHO, ठीक है, दिस इज सक्सिनल्डिहाइड। हाँ, यहाँ पे अब COH होता और COH होता फिर सक्सिनिक एसिड हो जाता, ये सक्सिनल्डिहाइड है। अच्छा, सेम फिर से वापस आपको अगर सबस्ट्रेट बनाना है, आप क्या करोगे, जो दोनों प्रोडक्ट आपके पास बन रहे हैं उन दोनों प्रोडक्ट्स के सी डबल बॉन्ड ओ को एक तरफ रख लो, ठीक है, दोनों को आमने सामने रख लो, इस तरीके से बन जाएगा, दैट इज CH डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये वाला बना दिया मैंने CH डबल बॉन्ड ओ। अच्छा, उसके बाद अगले वाला CH2 एंड देन CH2, ठीक है, इसके साथ में CH डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये वाला बना दिया मैंने CH डबल बॉन्ड ओ, इसके डबल बॉन्ड ओ की तरफ रखूंगा मैं इसको, एंड अगेन CH डबल बॉन्ड ओ, ये बन गया, ठीक है ना। सही है, दिस इज सक्सिनल्डिहाइड एंड दिस इज ग्लायोक्सिल। अच्छा, अब रिप्लेसमेंट करेंगे, अब क्या करेंगे, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इन चारों ऑक्सीजन को आपको हटाना है, इन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को किन से रिप्लेस कर देंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, ठीक है, रिप्लेसिंग कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है जी, रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यह जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, बताइए डबल बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ, सो दिस विल बी डबल बॉन्ड CH देन सिंगल बॉन्ड CH2 देन CH2 देन CH और इस CH का डबल बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बना है कैसा है, साइक्लिक, ये साइक्लिक प्रोडक्ट है, बताइए इसका नाम क्या आएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ, ध्यान देना, ठीक है, नंबर करके मैं इसको लिख लूँ, बताइए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, डबल बॉन्ड से नंबर स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से नंबर स्टार्ट करूंगा मैं, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, साइक्लिक है, 6 मेंबर का रिंग है, इसका मतलब ये होगा साइक्लोहेक्सेन तो है, ठीक है, साइक्लिक है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे, और डबल बॉन्ड किस किस पोजिशन पर प्रेजेंट है, 1 पे और 3 पे, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास सबस्ट्रेट, ये वो एक्स सबस्ट्रेट है, ये वो एक्स सबस्ट्रेट है, बताइए क्या नाम आ जाएगा इसका, दिस इज साइक्लो हेक्स, कितने पे ही 1,3-diene, साइक्लो हेक्स 1,3-diene, ये बन जाएगा आपके पास सबस्ट्रेट साइक्लो हेक्स 1,3-diene, ठीक है। अच्छा, इस सबस्ट्रेट आप कंफर्म भी कर सकते हो इस सबस्ट्रेट को ब्रेक करके, क्या इस सबस्ट्रेट को ब्रेक करके वापस ये चीजें बनेंगी या नहीं बनेंगी, इसको लिख लो फिर मैं बता देता हूँ कैसे कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, देखा वापस से लिखा देखो, आपके पास जो आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अप्रोच कर सकते थे, जो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करके देख सकते थे प्रोडक्ट क्या बनेगी, बट फिर से इंपॉर्टेंट ये है कि इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, फॉर्मूलाज नहीं पता है तो फिर नहीं कर पाओगे। देखो, ये आपके पास जो सबस्ट्रेट है, मान के चलता हूं कि सबस्ट्रेट था आपके पास जो हमने बनाया और यही आंसर होगा, अब इसी में अगर मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करूं तो क्या ये बनेगा, हम देखेंगे वापस क्या ये चीज बनेगी। अब बताइए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने पे आप क्या करते हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करते हो, ठीक है, मैं इसको यहां पे ब्रेक करूंगा और इसको यहां पे ब्रेक करूंगा, और जिन जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था उन कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ आ जाता है, ठीक है, जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, ध्यान देना, बताओ ये कार्बन इस कार्बन के साथ क्या आएगा, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, दूसरा कार्बन इसके साथ भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड ओ, तो यहां पे बनेगा CHO, हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट है, दिस इज CHO एंड दिस इज ऑल्सो, ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा CHO एंड CHO, तो बनेगा ग्लायोक्सिल, क्या बन जाएगा ग्लायोक्सिल, ठीक है। अच्छा, अगर इस वाले पोर्शन में मैं देखूं तो बता दीजिए यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा
सी एच ओ, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सी एच ओ, तो वापिस आपके पास क्या बनेगा सक्सिनल डिहाइड। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन था ये? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी में बता देना मेरे को, इसी में बता दो। ऑप्शन तो हमने पता कर लिया, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। मुझे ये बता दो, अगर ऑप्शन बी की बात कर लूं, अगर साइक्लोहेक्सा 1,4-diene का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करें तब बता दीजिए क्या बनेगा। अगर 1,4-diene का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करें तब प्रोडक्ट क्या बनेगा बता दीजिए। अगर 1,4-diene का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तब बता दीजिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। इतना बता दीजिए कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, ये पूछ सकता है कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। दो टाइप लग रहे हैं, ठीक है देखते हैं। साइक्लो हेक्सा 1,4-diene, बताइए ये 1,2,3,4, ठीक है दिस इज साइक्लो हेक्सा 1,4-diene, 1,4-diene, क्या लग रहा है कितनी तरह के प्रोडक्ट बनेंगे? दो तरह के लग रहे हैं, ठीक है देखते हैं करके। अच्छा आपको क्या करना है, अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है ओजोनाइड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा O3 डाइक्लोरोमिथाइलिन की प्रेजेंस में एंड देन फॉलोड बाय रिडक्शन, ठीक है। कैसे करोगे? डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, दिस डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, ठीक है। अच्छा जहां पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था उन कार्बन पे आपको क्या अटैच कर देना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी, ठीक है। ये पोर्शन अलग और वो पोर्शन अलग, अब देखना ध्यान से, मैं इसी पोर्शन को बना देता हूँ, देखो ऐसे बचेगा ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा इस कार्बन के साथ, ठीक है डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ भी क्या आ जाएगा, अब क्योंकि इन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो मैं हाइड्रोजन के साथ में लिख देता हूँ, अब चाहो तो ना लिखो हाइड्रोजन यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा क्या दूसरा वाला भी इसी के जैसा नहीं बनेगा, तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा ये पार्ट भी तो सेम ही बनेगा, ठीक है ना, ये भी सेम ही होगा सी एच टू देन सी एच ओ एंड सी एच ओ, ठीक है सेम ही तो बनेगा, तो इसका मतलब इसके जैसे कितने बनेंगे, तो एक ही तरह प्रोडक्ट हुआ, दो तरह के न्यू है, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। कितने बनेंगे और कितनी तरह के बनेंगे दोनों में अंतर है, ठीक है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे और कितनी तरह के बनेंगे दोनों में अंतर है, तो यहाँ पे एक ही टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। बताइए इसका नाम बताइए, जो प्रोडक्ट बना, जो प्रोडक्ट बना इसका नाम बता दो, नंबर कर दो सिंपली, 1, this is 2, this is 3, बताइए क्या बनेगा, प्रोपेन 1,3-diene, प्रोपेन 1,3-diol देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट दे रखे हो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने के बाद और आपको ये पूछा जाए कि सबस्ट्रेट क्या होगा, तो आप कैसे करोगे, जो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्ट्स में आप किनको हटाओगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को किन से रिप्लेस कर दोगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से आपके पास सबस्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है ये वाला? अच्छा इसी के साथ में एक बता दो मेरे को, जो ऑप्शन डी में रखा है टोलिन, अगर टोलिन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे सिर्फ इतना बता दो कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, अगर टोलिन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने टोलिन लिख लिया, अगर टोलिन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं बताइए, यही ब्रेक करके देख लो, ठीक है ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया पर ये ब्रेक कर दिया, ऐसे होगा, ठीक है ना, देखना जितने पोर्शन बनेंगे, ठीक है बताओ। ये वाला पोर्शन हो जाएगा, मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, देखिए एक ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है एक ये वाला आ जाएगा, ठीक है दूसरा ये वाला पोर्शन आ जाएगा, तीसरा ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो बता दो कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, अब देख लेना ये और ये सेम होगा, दोनों पोर्शन सेम होंगे, ठीक है दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, कितने टाइप के, दो टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, अब बना भी सकते हो कौन कौन सा बनेगा, टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको, कि जो ओजोनोलिसिस है इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या होता है, ओजोनोलिसिस हेल्प करता है लोकेट करने में डबल बॉन्ड की पोजिशन को, ये मैं नोट करके लिख लेता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोनोलिसिस helps in locating the position of double bond. दो alkynes भी आपका ozonolysis करते हैं, but majority में आप alkynes में ही reaction देखोगे. So ozonolysis का main application क्या था? Double bond
किस पोजीशन पे होगा इसको लोकेट करने में हेल्प करता है ओजोनोलिसिस, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां पे प्रेजेंट होगा वहीं पे क्लीवेज होगा, उसके अलावा तो क्लीवेज होगा नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना बेटा। तो ऊपर वाला ठीक है, तो बता दीजिए जब आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो आपके पास जो गिवन सबस्ट्रेट होगा उस सबस्ट्रेट में आपको सिर्फ क्या ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, जितने होंगे उतने ब्रेक करने हैं, ठीक है। और जिन जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उन कार्बन पे क्या अटैच कर देना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर आपके पास प्रोडक्ट गिवन है और सबस्ट्रेट पूछ रखा है कि सबस्ट्रेट क्या होगा, अगर आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया होगा तो आप प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट कैसे पता करेंगे, जो प्रोडक्ट बने होंगे उनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को किन से रिप्लेस कर दोगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, ठीक है। तो आपके पास सबस्ट्रेट बन जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, मेमोरी बेस है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला। कहते जो फॉस्फीन है, फॉस्फीन इज PH3, ध्यान देना, ये आपका इससे सवाल है, पी ब्लॉक से सवाल है, ठीक है ना, पी ब्लॉक ट्वेल्थ में था नहीं, हमने टच नहीं कर रखा, तो जो जो सवाल है वो देखेंगे हम। जो फॉस्फीन है ये इन्फ्लेमेबल है, ठीक है, आग पकड़ता है जब यह हवा के कॉन्टेक्ट में आता है, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर। कहते हैं जो प्रॉपर्टी है ये किस वजह से होती है, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो PH3 है ये इनफ्लेमेबल है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज ऑफ P2H4 एंड P4, ठीक है, मेमोरी बेस से आपको उसे याद ही रखना पड़ेगा, इसमें भी और लॉजिक लगा सकते हैं आप। जो PH3 है वो इनफ्लेमेबल है, किसकी वजह से इनफ्लेमेबल है, ये इनफ्लेमेबल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज ऑफ डाइफॉस्फीन दैट इज P2H4 एंड P4, इन दोनों की वजह से ये क्या करता है, आग पकड़ सकता है, ठीक है ना, इन दोनों की वजह से इसको आग लग सकती है, इनफ्लेमेबल हो जाता है। ये मेमोरी बेस है, इसको ध्यान में रखना, समझे। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। नेक्स्ट तो आपने कर ली कर रखा है, ये तो आप कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दे रहा हूँ आपको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इन अ कॉम्प्लेक्स Zn H2O 4 times + 2। इसको जल्दी से सॉल्व करना, इसको जल्दी से सॉल्व करना, ठीक है। जो आपके पास टेट्रा एक्वा जिंक दे रखा है, जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है टेट्रा एक्वा जिंक, आपने इस टेट्रा एक्वा जिंक में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पता करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और बता दीजिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा। कल भी फॉर्मूला पढ़ रखा है, एटॉमिक नंबर 30 होता है जिंक का, ठीक है, ध्यान में रखना, जिंक एटॉमिक नंबर 30। सब दो करते हैं, जो भी लिगेंड दे रखे होंगे वो दो इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। हाँ हाँ, अगर एक लिगेंड दो डोनेट करता है तो 4 8 करेंगे। इसके कौन जल्दी आंसर करता है, ये छोटा सवाल है, इसमें इतना टाइम लगाना। कैसे कर 36 ओके 36 ओके और 36 ओके कितना लग रहा है, 40 लग रहा है, ठीक है, 36 ध्यान दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि 36 वाले स्टेबल होते हैं, और जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा तो कहीं ना कहीं उसका 36 ही होगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। और इसके ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल है, इसके ऊपर स्टेबल होते नहीं, 40 वाले स्टेबल होंगे नहीं, ठीक है ना, सना वाले तो स्टेबल नहीं है, तो 36 के अराउंड ही घूमेंगे, कम एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अच्छा कर लेते हैं, अब बता दीजिए, ऐसा जरूरी नहीं 36 वाले हमेशा स्टेबल होते हैं, बट 36 वाले जनरली स्टेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा आपको कैसे फाइंड आउट करना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फिर से फॉर्मूला, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय
माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बताइए जिंक का एटॉमिक नंबर लिख दिया मैंने 30 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। वाटर दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 4 टाइम्स है, कितने हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इसमें धोखा खा जाते हो, पता क्या है, ये जो प्लस 2 है ना ये माइनस करना है, इसमें धोखा लगता है कि ऊपर प्लस 2 दे रखा तो मैं इसको ऐड तो नहीं करूं, इसको माइनस करना है। सो माइनस 2, बताइए 38 माइनस 2 36, इनका 36 था, सही आंसर था, ठीक है ना। तो ऊपर प्लस 2 दे रखा है, ध्यान देना इसको प्लस नहीं करना है, इसको माइनस करना है, ये आंसर। सलाम वालेकुम, हम क्या आ मैं क्लास में, कोई मसला नहीं क्लास में, ये सवाल अच्छा था इसका। नहीं हम सर के घर में, सर को ये भी नहीं बताया, ठीक है। तो बताइए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस लेके भी चल सकते हो, डिपेंड करता है आंसर किस हिसाब से पूछ रखा, अगर वैलेंस पूछ लेगा फिर एटिंग के हिसाब से पूछा होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में दिया होगा, आपको माइनस करना है उसको, ठीक है ना। अब वो कॉम्प्लेक्स का चार्ज था, ध्यान दीजिए वो कॉम्प्लेक्स का चार्ज था, आपको ऊपर नहीं देखना कितना है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और उतना माइनस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस। और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट तो जनरली पॉजिटिव ही आएगी, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस जहां पे नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट सवाल बढ़िया, नेक्स्ट सवाल सिंपल है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, ठीक है। मैं ऑप्शंस लिख लेता हूं, ये सिंपल है, हल्का सवाल है, हल्का सवाल है। ओके, ये आपके पास कार्बोकेटाइन्स दे रखे हैं, सवाल क्या पूछ रखा है कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इन कार्बोकेटाइन्स का स्टेबिलिटी, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, आपको पता भी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। कार्बो कैटायन्स की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कार्बो कैटायन्स की स्टेबिलिटी किन पे डिपेंड करती है, अच्छा कार्बो कैटायन का मतलब ये होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास होंगे और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। अच्छा अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका यह मतलब होगा ये कार्बन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि इसके ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा नहीं, तो ध्यान देना ये कार्बन कैसा होगा, डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा इस पॉजिटिव चार्ज को अगर स्टेबल करना चाहते हो, कार्बो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको कार्बोनियम आयन भी बोला जाता है, और इवन ये दो टाइप के हो जाते हैं, क्लासिकल कार्बो कैटायन और नॉन क्लासिकल कार्बो कैटायन, बट जनरली नीट में नॉन क्लासिकल को टच नहीं करता, हम क्लासिकल की ही बात करेंगे। सो कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, अगर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना कार्बोकेटाइन के ऊपर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वालों को ऑर्गेनिक में स्टेबल करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। सो कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, पॉजिटिव इफेक्ट, उसके बाद ये पॉजिटिव इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, उसके बाद और उसके बाद प्लस, ठीक है। और इनकी स्टेबिलिटी को कौन डिक्रीज करेगा, अगर प्लस वाले इंक्रीज कर रहे हैं तो माइनस वाले, सो माइनस आई माइनस एच आई माइनस आर, ठीक है, इतना ध्यान में रख लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव जीओसी इफेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है। अच्छा पहले वाले में आप देखोगे ये जनरली, ध्यान सुनना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हाइपर कंजुगेशन, तो इंडक्टिव लगा सकते हो बट हाइपर कंजुगेशन उससे थोड़ा डोमिनेटिंग होता है, तो इससे इनको बेटर एक्सप्लेन किया जाता है। सो इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन दैट इज प्लस एच, वो भी दो तरह का, ये भी हो जाता है प्लस एच हो जाता है, माइनस एच हो जाता है, ठीक है। सो हाइपर कंजुगेशन दैट इज प्लस एच, जितना ज्यादा प्लस एच उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, ठीक है। और ये प्लस एच कितना होगा या हाइपर कंजुगेशन कितना होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जीओसी का। हाइपर कंजुगेशन किसमें ज्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज्यादा होंगे, ध्यान देना हाइपर कंजुगेशन किसमें ज्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स
ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बताइए पहले वाले में, दो तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बताइए पहले वाले में क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा? नहीं, पहले वाले में तो अल्फा कार्बन भी नहीं है। अल्फा कार्बन वो होगा जो कार्बोकेटाइन के साथ में डायरेक्टली जुड़ा होगा, तो यहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसका मतलब पहले वाले में हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। पहले वाले में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, इसमें इफेक्ट नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में बता दीजिए, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली जुड़ रखा है एक और कार्बन के साथ, तो इसका मतलब ये कार्बन कौन सा होगा? अल्फा कार्बन। अच्छा, इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं? कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? तीन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। कितने हो गए? तीन अल्फा हाइड्रोजन का मतलब इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? तीन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। और जिसका ये मतलब होगा कि इस स्ट्रक्चर में, इस मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस कार्बन पे प्रेजेंट नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज और भी रेजोनेट कर रहा है, ये हाइपर कंजुगेट कर रहा है, ऐसा मान लीजिए डिस्पर्स हो जाता है। हाइपर कंजुगेशन में चार्ज का डिस्पर्सल देखने को मिलेगा। अच्छा, इस वाले में बता दीजिए, ये जो आपके पास दे रखा है, इस वाले में बता दीजिए कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? सिक्स अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास छह हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, चार्ज का डिस्पर्सल अच्छा खासा होगा, ठीक है। इस वाले में बता दीजिए, इस वाले में कितने हो जाएंगे? नाइन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें तो बहुत अच्छा डिस्पर्सल है। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन, दैट इज प्लस एच इफेक्ट, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होंगे उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो बताइए सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? ये वाला नाइन अल्फा हाइड्रोजन वाला, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद सेकेंड, और सबसे लास्ट पे फर्स्ट वाला देखने को मिल जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आप इस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल सवाल है, इस पे बेस्ड सबसे सिंपल सवाल है। और जनरली ऐसे भी आता है कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन क्यों ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी प्रोपाइल, एज कम्पेयर टू इथाइल, ठीक है। सो ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसी पे मैं एक और सवाल बना देता हूँ, देखिए ना, बताइए, बल्कि ये बता दीजिए, जो तीन कार्बोकेटाइन मैंने बना रखे हैं, इन तीन कार्बोकेटाइन्स में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बनेगा? जो तीन तरह के कार्बोकेटाइन्स मैंने बना रखे हैं, इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा? शाश लगा दीजिए, कौन सा सबसे स्टेबल होगा? थर्ड लग रहा है, ओके, मतलब ए बी सी का तीसरी वाला लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन पहचान देख लेते हैं, ठीक है ना। आप डिग्री से भी देख सकते हो, सर डिग्री से भी देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ध्यान सुनना, ठीक है। एक मिथिल ग्रुप यहाँ पे, एक मिथिल ग्रुप यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा? CH2, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। गिने कितना अल्फा हाइड्रोजन? तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, छह और दो यहाँ पे, आठ अल्फा हाइड्रोजन डाले, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, इस पे आ जाइए, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा? सिर्फ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा, ठीक है। गिने कितने हो गए? सात अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ओके, ठीक है। इस वाले में गिनिए, इस वाले में गिनिए, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से होगा, तीन यहाँ पे और यहाँ पे कितना? एक। कितने हो गए? चार अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो बताइए, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा होगा, तो बताइए ऑर्डर क्या बनेगा स्टेबिलिटी का? इनमें बन जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ए बी सी, ए बी सी, स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। यही हाइपर कंजुगेशन बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में, ठीक है। सेम सेम चीज है, ध्यान दीजिएगा, यही हाइपर कंजुगेशन बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में, ठीक है। क्योंकि हाइपर कंजुगेशन आपका कार्बोकेटाइन्स में देखने को मिलता है, एल्कीन्स में देखने को मिलता है, रेडिकल्स में देखने को मिल जाता है। सिमिलरली एल्कीन्स में भी बहुत बढ़िया रोल इसका देखने को मिलेगा। सेम पैटर्न पे पहचानोगे वहां भी अल्फा हाइड्रोजन देखने और हो जाएगा। मिटा दो पर वाला, एक सवाल एल्कीन पे बता देता हूँ मैं साथ साथ में।
आंसर तो पता कर ही लोगे, आंसर इसका सिंपल था, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बताइएगा करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, बताइएगा इन चारों में करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए, इन चारों एल्केन्स में करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। सेम देखोगे जिन जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उन कार्बन की रेस्पेक्ट में जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होंगे अल्फा कार्बन होंगे, और उन पे जो हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, पहले वाला मैं बता देता हूँ। देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इनसे अटैच जो डायरेक्टली कार्बन होगा वो अल्फा होगा। बताइए ये वाला अल्फा और ये वाला भी, ये हाइड्रोजन अल्फा नहीं होगा, तो यहाँ पे कितने होंगे? ऑब्वियसली मिथिल ग्रुप होगा, मिथिल ग्रुप होगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन? ठीक है जी, तो मैंने बता दिया 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगले वाले में बताइए जल्दी से, नौ डन है, ठीक है बहुत अच्छे, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में बता दीजिए 12 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है बहुत अच्छे। इस वाले में बता दीजिए फिर से 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये समझ में आ गया ना, 6 9 12 जैसे, ठीक है ओके। अब बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर, सी सबसे पहले आएगा, ठीक है ऑब्वियसली सी पहले आएगा, ठीक है उसके बाद, उसके बाद बी, ठीक है। अब बताइए ए और डी में क्या इक्वल रखूं या किसी को पहले प्रेफरेंस दूं किसी को बाद में? बी को पहले प्रेफरेंस दूं या ए को? और ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में? सिस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बता दीजिए ये कौन सा था, ये ट्रांस था और ये कौन सा है? सिस है, ठीक है। तो उसके बाद हम किसको प्रायोरिटी देंगे? ए को, और फिर डी को। तो ध्यान में रख लीजिएगा ट्रांस स्टेबल देन सिस, इसलिए प्रायोरिटी बनेगा, और बढ़िया सवाल बन जाता है, ठीक है। इसी के साथ में एक और कॉन्सेप्ट में बता दूं आपको साथ साथ में, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स या हाइपर कंजुगेशन, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HOH। कभी कभार इस पे भी सवाल बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एल्केन्स है, एल्केन्स को हम हाइड्रोजिनेट करके एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब हाइड्रोजिनेट करके एल्केन्स में कन्वर्ट करेंगे उस टाइम पे एंथैल्पी में कितना चेंज आएगा, दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जितना स्टेबल एल्कीन होगा उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इन्हीं चारों में अगर मैं HOH का ऑर्डर पूछता, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर पूछता, फिर बता दीजिए क्या बन जाता, स्टेबिलिटी के इनवर्स बन जाता, ठीक है ना, फिर ये पूरा का पूरा इनवर्स हो जाता, पहले डी आ जाता, फिर ए आ जाता, फिर बी आ जाता, और फिर सी आ जाता, ठीक है। जल्दी से कहां दिक्कत है बताओ, अच्छा इस वाले में, ठीक है देखिएगा, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होंगे, इनको छोड़ के इनके साथ जो फर्दर डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होंगे वो अल्फा कार्बन होंगे। तो बताइए इसके साथ ही जोड़ रखा है डायरेक्टली अल्फा, अच्छा यार यहाँ पे एक और लगा देता मैं, मान लो इधर मैं CH2 लिखता और इधर CH3 लिखता, क्या ये अल्फा होता फिर? नहीं, वो तो बीटा में आ जाता फिर, इनके साथ डायरेक्टली अटैच अल्फा होगा, ठीक है, ये अल्फा और ये वाला भी अल्फा। बताइए कितने अल्फा कार्बन आ गए, इन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो अल्फा हाइड्रोजन, बताइए कितने हैं, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 हो गए। अब यहाँ पे देख लो, जहाँ कुछ नहीं रखा मिथिल ग्रुप है, ये मिथिल ग्रुप है, दिस इज आल्सो मिथिल ग्रुप, दिस इज आल्सो मिथिल ग्रुप, ठीक है। बताइए 3 3 6 और 3, नाउ ये तो नहीं है, ये तो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच था, ये तो अल्फा कार्बन के साथ अटैच ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 6 3 9 12, ठीक है, सिमिलरली अगले वाले में आता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है याद रखना इसको। एक और पूछना, आगे चलो एक और पूछूं मैं, इसी पे बेस्ड पक्का, ठीक, अच्छा पूछ लेंगे, समो वनी को खाने जाने, ठीक है।
ठीक है, बताइए इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए। इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बनेगा? ये नॉन क्लासिकल कार्बो के टाइप, दिस इज नॉन क्लासिकल कार्बो के टाइप, नॉन क्लासिकल कार्बो के टाइप, नॉन क्लास। ये टाटोमराइजेशन पहले भी आ रखा है नीट में सवाल, टाटोमराइजेशन के अंडर ये नॉन क्लासिकल कार्बो के टाइप इसका फॉर्मेशन दिखा देता है, ठीक है, ए बी और सी। चलिए ठीक है, ए बी और सी, एक तो मैं बता दूंगा, लास्ट वाला तो मैं बता दूंगा, इसमें दिक्कत नहीं, तो मैं बता ही दूंगा खुद से, ठीक है। आप ए और बी में बता दीजिए, ए और बी में स्टेबल कौन होगा, ए और बी में कौन सा स्टेबल लग रहा है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन लगाना पड़ेगा, हाइपर कंजुगेशन लगाना पड़ेगा, ठीक। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अल्फा, ये अल्फा का कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना, ठीक है, ओके, कितने अल्फा हो गए, तीन अल्फा हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, ओके। इसमें बता दीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितने आएंगे, दो अल्फा हाइड्रोजन, उसमें छह है, दो अल्फा हाइड्रोजन से। अब ध्यान से सुनना, अब किसी को ऐसा लगे कि सर यहाँ पे दो मिथिल ग्रुप थे तो इधर तो दो टाइम प्लस आई लगना चाहिए, तो फिर तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन इस पे डोमिनेटिंग होता है, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, हम हाइपर कंजुगेशन को लेकर चल रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा, ठीक है। और जब भी कार्बो के टाइम आपका बनेगा ब्रिज हेड कार्बन पे, कहाँ पे बनेगा, ब्रिज हेड कार्बन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रिज कंपाउंड्स है और ये ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड, ब्रिज हेड, ये दो रिंग्स को आपस में जोड़ रहा है, एक रिंग ये और एक ऊपर वाली रिंग है, और इन दोनों रिंग्स यहाँ पे जो जुड़ रही है, यहाँ पे जुड़ रहा है और यहाँ पे जुड़ रहा है, इनको हम बोल देंगे ब्रिज हेड। ये ब्रिज हेड कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रेन होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी अनस्टेबल, वेरी वेरी अनस्टेबल, वेरी वेरी अनस्टेबल, वेरी वेरी अनस्टेबल। ऐसा इसलिए होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन की आप बात करते हो, तो जनरली कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइज के लिए जो रिक्वायर्ड एंगल होता है वो हो जाता है 120, बट यहाँ पे एंगल स्ट्रेन होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के केस में अगर पॉजिटिव चार्ज या कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड कार्बन पे बना तो ये स्टेबल नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू ब्रेडिक रूल। ब्रेडिक ने इसको एक्सप्लेन किया था, उसको बोल देते हैं हम ब्रेडिक रूल, ठीक है ना। ब्रेडिक रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेडेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, सी वाला सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, तो सबसे स्टेबल कौन सा आ जाएगा बताइए, ए, उसके बाद और सबसे लीस्ट सी, सबसे लीस्ट सी, ठीक है। तो क्या इस वाले केस में आपको हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा, इस वाले केस में हाइपर कंजुगेशन देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये अनस्टेबल होगा, ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, और सिमिलरली इसमें टाटोमराइजेशन भी नहीं होगा, ब्रिज हेडेड वालों में टाटोमराइजेशन भी देखने को नहीं मिलता। मिटा देता हूं मैं, ठीक है, सही है, बताओ वापस, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, पॉजिटिव इफेक्ट्स पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, प्लस आई प्लस एच और प्लस आर, ठीक है। और इनको डोमिनेट करता है कौन सा फैक्टर, जनरली आप कार्बोकेटाइन्स की बात कर लो तो आपका सबसे भारी फैक्टर लग जाता है हाइड्रोजन, तो अगर कहीं रेजोनेंस लग रहा है तो वो देख लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब चाहो तो मैं रेजोनेंस पे भी एक सवाल बना देता हूँ, अब चाहो तो मैं रेजोनेंस पे भी सवाल दिखा देता हूँ, देखिए बताना स्टेबिलिटी बताना, बताइए इन तीनों में बता दीजिए, ए बी और सी, ए बी और सी में से सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। अब आपको लग रहा है साथ में डबल बॉन्ड दे रखे हैं, इसका मतलब आप कौन सा फैक्टर लगाओगे, रेजोनेंस वाला फैक्टर, मिटा दो, ठीक है, कौन सा फैक्टर लगाओगे, रेजोनेंस वाला फैक्टर, ठीक है जी, लगा लीजिए, कौन सा आएगा सबसे स्टेबल, सी, ऑब्वियसली सी आएगा, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना, इसमें रेजोनेंस काफी टाइम होगा, इसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा, तीन रिंग्स में जो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में डिलोकलाइज करेगा, इस रिंग में भी डिलोकलाइज करेगा और इस रिंग में भी डिलोकलाइज करेगा, तो यहां पे डिस्पर्सल ऑफ चार्ज ज्यादा है, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज लार्ज एक्सटेंट में है, इस वाले केस में, ठीक है।
और इस वाले केस में पॉजिटिव चार्ज सिर्फ किधर रेजोनेट करेगा? दो रिंग्स में, और पहले वाले में सिर्फ एक रिंग में रेजोनेट करेगा, ठीक है? तो इस वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? सी, उसके बाद बी, और उसके बाद ए, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑर्डर बन जाएगा। देख लीजिए इसको भी ध्यान से, इसमें बहुत सारे और भी सवाल हैं, बट ये फिर इधर ही क्लास चली जाएगी सारी सर। फिर नेक्स्ट सवाल में चले जाते हैं, ठीक है? बेटा तू बना लोगे ना कुछ से? मिटा दो, ओके। नेक्स्ट सवाल अच्छा है, नेक्स्ट सवाल पढ़ेगा, ठीक है? इसमें से मैं सवाल पूछूंगा, ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल देखा है, सवाल आपके पास ये है कि कॉम्प्लेक्स आपके पास गिवन है प्लेटिनम का, दैट इज PtCl4.6 times H2 कैन एग्जिस्ट एज हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स आपके पास दे रखा है प्लेटिनम का, और ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रेटेड फॉर्म का ये मतलब होगा वाटर मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट होंगे इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कितने होंगे वो हमें नहीं पता है। कहता है इसका एक मोल एक्वस सॉल्यूशन अगर हम ले लें, इस कॉम्प्लेक्स का कितना मोल ले लें? एक मोल एक्वस सॉल्यूशन। इस कॉम्प्लेक्स अगर एक मोल एक्वस सॉल्यूशन ले ले तो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना मिलेगा? रिक्वायर्ड जो जो चीजें गिवन है मैं वो लिख देता हूं, ठीक है? कितना मोल दे रखा है? एक मोल, ठीक है? अच्छा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा बताइए? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं? डेल्टी एफ। डेल्टी एफ कितना दे रखा है? 3.72 केल्विन। ध्यान देना मैं पूछूंगा, ठीक है? उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा वो पूछ रखा है, ठीक है? लेकिन और चीजें जो गिवन है वो ये है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो दे रखा है, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट दे रखा है, That is Kf, cryoscopic constant, right? Cryoscopic constant कितना दे रखा है? 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है? ये भी दे रखा है, और 100% ionization पूछ रखा है, तो अल्फा 100% दे रखा है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपको फॉर्मूला पता करना है, आपको ये जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स गिवन है, इस प्लेटिनम के गिवन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला पता करना है, और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट होंगे, बट कितने होंगे वो हमें नहीं पता है। और इसका एक मोल एक्वस सॉल्यूशन अगर आप लेंगे तो आयनाइजेशन कितना होगा? 100% कंप्लीटली ब्रेक करेगा, ठीक है? और डेल्टा एफ का वैल्यू दे रखा है और केएफ का वैल्यू दे रखा है, आपको ये पता करना है फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है? अब फॉर्मूला पता करने का एक ही तरीका यहां पे होगा, वो ये होगा कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करने पे कितने आयंस बनेंगे, ध्यान देना, अगर मेरे को ये पता चल जाए कि इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करने पे कितने आयंस बनेंगे, तो मैं फॉर्मूला बना सकता हूं कि जितने आयंस इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करने के बाद बनेंगे, सीएल के हिसाब से मैं बता सकता हूं कि कितने सीएल बाहर रहे होंगे और कितने सीएल अंदर रहे होंगे, उस हिसाब से बन सकता है, ठीक है? तो आपको कुल मिला के क्या पता करना है? नंबर ऑफ आयंस फॉर्म, आपको नंबर ऑफ आयंस पता करने हैं कि कितने बनेंगे डिसोसिएट होने के बाद, ठीक है? अच्छा मुझे बताइए, ये जो डाटा दे रखा है, ये जो डाटा है सारा का सारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? बताइए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला बता दीजिए। डेल्टा एफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम, केएफ इनटू, बट एक और इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जब डिसोसिएशन की बात करता है और एसोसिएशन की बात करता है, जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट गिवन हो उस टाइम पे एक और फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, दैट इज आई, वेयर आई इज बेंट ऑफ आई इनटू Kf into m, बताइए यही फॉर्मूला है। डेल्टा एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू आई इंटू एम, आई इंटू के एफ इंटू एम, जैसा भी आप लिखना चाहो, ठीक है? वेयर दिस आई इज वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां से तो हमें पता चल ही जाएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे लिख लेता हूं, कॉन्सेप्ट में यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है? अगर आपका कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट करे और आपको वेंट हॉफ फैक्टर पता करना हो, तो वो डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, ठीक है? ध्यान में रखना, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई, दैट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट हॉफ फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे सवाल बन सकते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट हॉफ फैक्टर, बताइए किसके बराबर हो जाता है? अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन,
आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिग्री ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड भी होता है, मैं बता देता हूँ नेक्स्ट वाले सवाल में. सो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, व्हाट इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक, अच्छा अगर 100% दे रखा है तो अल्फा का वैल्यू कितना ले लूंगा मैं, 100% का मतलब अल्फा का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा 1 से ऊपर नहीं जा सकता, परसेंटेज में 100, और आप ऐसे लिखना चाहो तो अल्फा इज इक्वल टू, इससे ऊपर नहीं मिलेगा आपको वैल्यू. सो 100% डिसोसिएशन, ये बता रखा है सवाल में कि 100% डिसोसिएशन या 100% आयोनाइजेशन हो जाता है, सो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ध्यान दीजिए मैं यहां पे 1 पुट कर देता हूं, इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स बनेंगे. ठीक है, तो एन माइनस 1 को मैं इधर लेके आ जाता हूं, बताइए एन माइनस 1 इज इक्वल टू आई माइनस 1. ठीक है, एन निकालू मैं, एन किसके बराबर जाएगा, माइनस 1 उधर जाके, सो माइनस 1 और प्लस 1, एन किसके बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो, अब इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो. डायरेक्टली क्या याद रखोगे, अगर आपके पास गिवन कॉम्प्लेक्स है, गिवन इलेक्ट्रोलाइट, 100% डिसोसिएट करे, कितने परसेंट, तो जितना उसका वेंट हॉफ फैक्टर होगा उतने ही उसमें आयंस बनेंगे, जितना वेंट हॉफ फैक्टर का वैल्यू होगा उतना ही. इसका मतलब ये होगा कि इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर ये अल्फा 100% ना दिया होता फिर आपको ये फॉर्मूला लगा के एन निकालना पड़ता. ध्यान देना, अगर ये अल्फा ना दिया होता या अल्फा 100 से कम दिया होता फिर आपको ये फॉर्मूला लगा के एन का वैल्यू पता करना पड़ता, बट अभी तो अल्फा 100% दे रखा है, इसका मतलब जो अल्फा होगा वही आई होगा, सॉरी जो एन होगा वही आई होगा. अगर आपने आई पता कर लिया तो आपको एन मिल गया कि कितने मोल्स बनेंगे. ठीक है, तो पुट कर लेते हैं वैल्यूज. बताइए डेल टी एफ का वैल्यू कितना दे रखा, 3.72 इज इक्वल टू आई पता करना अपने को इनटू के एफ का वैल्यू गिवन है 1. ठीक है, कितना मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन का मोलैलिटी 1 दे रखा है. ठीक है, बताइए आई किसके बराबर आ जाएगा यहां से, दैट इज 3.72 अपॉन 1. ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट तो खत्म हो जाएगा क्योंकि जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट ऊपर है वही यहाँ पे भी सेम है, पॉइंट खत्म कर दिया, 18 × 2 = 36, तो करीब करीब 2 आ जाएगा. ध्यान दीजिएगा करीब करीब कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि मोल है, अब मोल तो ऐसा नहीं हो सकता कि ढाई मोल बने, तो मोल है तो एक मोल बनेगा या दो मोल बनेगा जब आप डिसोशिएट करोगे. सो कितना मोल बनेगा, आई का वैल्यू कितना आ गया, आई का वैल्यू आ गया 2. इसका मतलब ये होगा कि इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला इस हिसाब से बनेगा कि आपके पास टोटल आयंस कितने बनने चाहिए, 2 बनने चाहिए. अब मुझे बता दो इस कॉम्प्लेक्स को आप कैसे लिखोगे कोऑर्डिनेशन फॉर्म में कि 2 आयंस बने, 2 आयंस कैसे बनेंगे, सर एक सीएल बाहर होना चाहिए, एक सीएल का आयन बनेगा और बाकी सीएल कहां होने चाहिए, तो 2 आयंस बन जाएंगे. ठीक है, क्योंकि अंदर वाला तो डिसोसिएट नहीं करने वाला और वाटर की वजह से तो आयंस बनेंगे नहीं, तो इसका फॉर्मूला सिंपली मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर 2 आयंस बनेंगे, देखिएगा पीटी सीएल अंदर कितने रख लूं मैं, 4 दे रखे हैं, आपको एक बाहर रखना है. ठीक है, तो मैंने अंदर कितने रख लिए, 3. अच्छा H2O कितने रखूं मैं, ऑक्टेहेड्रल से ऊपर कॉम्प्लेक्स नहीं जाएगा, ध्यान देना ये ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ऊपर नहीं जाएगा, अगर 3 सीएल आ गए तो वाटर भी कितने होंगे, तब जाके तो 6 आना चाहिए ना. ठीक है, 3 हो गए और बाकी जो बचा, सारा का सारा खेल आपका प्राइमरी वैलेंसी पे था, सारा का सारा खेल इस पे था, काउंटर आयन पे था, एक काउंटर आयन बाहर होगा, सीएल मैंने बाहर कर दिया, वाटर जितने बचे बाहर रख लो, कितने बचे, 3 टाइम्स. अब देखो जब इस कॉम्प्लेक्स को मैं डिसोशिएट करूं, बताओ एक आयन इसकी वजह से बनेगा सीएल नेगेटिव और कॉम्प्लेक्स पे एक पॉजिटिव, बन गए 2 आयंस, एक ये वाला और एक ये वाला, वाटर की वजह से तो कोई आयन नहीं बनने वाला, सो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, दैट इज PtCl3H2O3 और उसके बाद काउंटर आयन के फॉर्म में सीएल प्रेजेंट हो जाएगा, यही आपका देगा 2 आयंस. कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा. बढ़िया सवाल था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से बहुत अच्छा सवाल है. पता ही क्लियर है कैसे क्या, हमने आपके पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन था प्लेटिनम का और कुछ डाटा भी और गिवन था, आपके पास डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट गिवन था, उसके बाद क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू गिवन था, और मेन चीज ये मेन चीज है, मैं फिर बता रहा हूँ, सारे सवाल जहां भी आएंगे ना इस पे घूमेंगे, एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जब भी सवाल आएंगे इन पे घूमेंगे, इन फॉर्मूलास पे घूमेंगे. सो जब भी डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन 100% दे रखा हो उस टाइम पे वेंट हॉफ फैक्टर किसके बराबर हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर या नंबर ऑफ आयंस के बराबर, जितने आयंस बनेंगे उतना ही वेंट हॉफ फैक्टर होगा. अगर आपको वेंट हॉफ फैक्टर पता चल गया तो आपको आयंस पता चल जाएंगे. ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया
और फॉर्मूला पुट करने के बाद हमने आई का वैल्यू निकाला जो कितना आ गया। इसका मतलब ये होगा कि जो कॉम्प्लेक्स आपके पास था, इस कॉम्प्लेक्स के दो आइंस बनने चाहिए ब्रेक करने पे। तो ब्रेक करने के दो आइंस तब बनेंगे जब काउंटर आइन में एक सीएल हो और बाकी अंदर प्रेजेंट हो, क्योंकि अंदर वाले तो डिसोसिएट नहीं करने वाले। सो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, क्लियर। चलो मैं आगे चलू, ठीक है जी, पढ़िए नेक्स्ट। तो सिंपल सवाल है, पहले भी पूछ रखा है बहुत बार, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। इनमें से कौन सा है जो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डज एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करेगा। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, ठीक है, चार तरह के हैं, ध्यान रखना, सिंपल सा है। KHF2, उसके बाद KHCl2, ठीक है, उसके बाद KH और उसके बाद KHI2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना, ठीक है ना, लिख लेता हूँ सारे, ठीक है। KHCl2, देन KHBr2 एंड देन KHI2, ठीक है। अच्छा, H और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो आपको पता है, मैं बना देता हूँ, ठीक है ना, H F, बताइए। इस तरीके से H और F में क्या देखने को मिलेगा आपको, H और F में आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, क्या HCl में H बॉन्डिंग होगा? नहीं, HCl H बॉन्डिंग के लिए कितने क्राइटेरिया होते हैं? दो क्राइटेरिया, ठीक है ना। पहला क्राइटेरिया क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं, पहला क्राइटेरिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो हाइड्रोजन के साथ जुड़े होंगे, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया एटॉमिक साइज शुड बी स्मॉल, एटॉमिक साइज शुड बी स्मॉल, इसमें क्लोरीन नहीं बैठता, ध्यान देना, एक्सियल में नहीं होता। बट ऐसा नहीं है कि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, आपको इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस में सीएल देखने को मिलेगा जहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बट इस एक्सियल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनते। सो इसमें नो, इन तीनों में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा आप देखिएगा, जब मैं इसको ब्रेक करूं, ध्यान से देखना, यहां से ये आयन जनरेट हो सकता है, बताइए ये आयन क्या है? HF2, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, HF2 नेगेटिव ब्रेक करके बन सकता है, और साथ में किसके साथ जोड़ रखा है? पोटेशियम, सिंपल है, KHF2, क्योंकि HF2 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करेगा, HF2 नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट किस कारण करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, तो ये K के साथ कंबाइन करके बना सकता है KHF2, बट HCl2 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करे। तो बताइए कौन सा कॉम्प्लेक्स इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जनरली आपके कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, FONO जैसा भी याद रखना चाहो, ठीक है ना, कार्बन, ये तीनों पार्टिसिपेट कर जाते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, क्लोरीन भी पार्टिसिपेट करता है बट HCl में नहीं करता, क्लोरीन भी पार्टिसिपेट करता है, तब पार्टिसिपेट करता है जब क्लोरीन के साइज को कम किया जाए, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज करके लाया जाए तब ये पार्टिसिपेट कर सकता है, जब ये प्लस आर दिखा दे, ठीक है। अच्छा इसके साथ मेरे को सवाल बता दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ही बता देता हूं, मुझे बता दीजिए वाटर H2O टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? एक, ओके, ऑप्शन देता हूं मैं, 1 2 3 4, ऑप्शन देता हूं मैं, 1 2 3 4, लगाओ भाई साहब, 1 2 3 4, एक वाटर मॉलिक्यूल टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लोन पेयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लोन पेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है 4, कितने बना सकता है? और ये आपको बेस्ट देखने को मिलेगा आइस में, कहां पे देखने को मिलेगा? आइस में देखने को मिलेगा, केज लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? ओ, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के थ्रू और 2 हाइड्रोजन के थ्रू, 2 इस ऑक्सीजन के थ्रू, मतलब अगले वाले 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ये 2 हाइड्रोजन अगले ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकते हैं, कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड, इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 4 बॉन्ड बना सकता है, और ये आपको देखने को मिलेगा आइस में, इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, मिटा दो।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फिर एक लंबा टॉपिक चला जाता है। अदरवाइज इंट्रा के एप्लीकेशंस अलग हैं और इंटर के एप्लीकेशंस अलग हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़िए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रोपाइन गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट्स व्हेन इट इज, बढ़िया सवाल है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। प्रोपाइन की बात करेंगे हम, कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा सेवन सेवन प्रोपाइन। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट साथ में बता देता हूँ मैं। ठीक है, सवाल में ये पूछा गया है कि प्रोपाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट किन के साथ देगा। नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि किन किन के साथ रिएक्ट करने पे ये व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है। ठीक है, अच्छा मैं प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। दिस इज सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सही है। दिस इज प्रोपाइन, राइट आर रॉन्ग, स्मिथ इज प्रो, दिस इज प्रोपाइन। ठीक है, अब प्रोपाइन्स में या आपके टर्मिनल एल्काइन्स में जो मैं लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, टर्मिनल टर्मिनल एल्काइन्स, कौन सी एल्काइन्स, टर्मिनल एल्काइन्स, फिर से इंपॉर्टेंट, कौन सी एल्काइन्स, टर्मिनल एल्काइन्स। ठीक है, बोलोगे सर टर्मिनल एल्काइन्स का मतलब है। ठीक है, ये वो एल्काइन है जिसमें आपका हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर मैं कुछ इस तरीके से एल्काइन बना दूं, देखना ध्यान से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, मान लीजिए मैं ब्यूट टू आइन बना लू, ब्यूट टू आइन बना लू, पता है क्या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, नहीं टर्मिनल टर्मिनल मतलब एंड पे, एंड पे, या तो आप यहां से स्टार्ट करो या तो यहां से स्टार्ट करो। क्या एंड पे आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, नहीं यहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें और इसमें अंतर होगा, दोनों में इसमें और इसमें अंतर होगा एसिडिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, टर्मिनल एल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर, टर्मिनल एल्काइन्स किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर की। ये बढ़िया सवाल है, ध्यान देना, ये बहुत बढ़िया सवाल है। टर्मिनल एल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर, और ये एल्काइन टर्मिनल नहीं है, दिस इज नॉन टर्मिनल एल्काइन, दिस इज नॉन टर्मिनल एल्काइन, ये एसिडिक नेचर का नहीं है, नॉन एसिडिक नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का नहीं है। बोलोगे सर क्यों, ये क्यों एसिडिक नेचर का, वो क्यों एसिडिक नेचर का नहीं। ठीक है, अच्छा एसिड्स की खास बात क्या होगी, एसिड क्या डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो मेरे को ये बता दीजिए, ये हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज हो सकता है, क्योंकि ये किस कार्बन के साथ अटैच है, ये उस कार्बन के साथ अटैच है जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp है, कितना है। अब मेरे को ये बता दो, यहां पे जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसका भी sp है और इसका भी sp है, बट क्या इनके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ रखा है, नहीं इनके साथ तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ रखा, इसका मतलब इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। इनके पास क्या अवेलेबल नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, इंपॉर्टेंट, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, और यहां पे क्या प्रेजेंट है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, काहे को ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि जब ये प्रोटॉन के फॉर्म में डोनेट होगा, जब इसको मैं डोनेट कर दूं, तो पता है ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, कंजुगेट बेस बन जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा इसका परसेंटेज करेक्टर, क्योंकि इसमें परसेंटेज करेक्टर कितना होगा, इसमें परसेंटेज करेक्टर होगा 50%, सही है, और 50% परसेंटेज करेक्टर होने का मतलब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत तगड़ा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तगड़ा होने के कारण इस पे जब नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, तो उस नेगेटिव चार्ज को ये कार्बन स्टेबलाइज कर देगा। दैट इज व्हाई ये टर्मिनल एल्काइन एसिडिक नेचर का होगा, बट नॉन टर्मिनल एल्काइन एसिडिक नेचर का नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसी के साथ में, अगर आपके पास एल्केन एल्कीन और एल्काइन में कंपैरिजन बता दे, तो आप क्या बता दोगे, किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा, सिंपल सा सवाल है, तो एग्जाम में भी पढ़ते हो, एसिडिटी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, एसिडिटी सबसे ज्यादा एल्काइन्स का हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वालों का। ठीक है, उसके बाद, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड वालों का। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका परसेंटेज कितना होगा, ठीक है इसमें कितना हो जाएगा 33%, और इसमें कितना हो जाएगा 25%, इसमें स्टेबलाइज करने की क्षमता नहीं होगी, ये स्टेबलाइज कर देगा कंजुगेट बेस को, नेगेटिव चार्ज को, एनायन को, दैट इज व्हाई एल्काइन ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। बट क्या सारे के सारे एल्काइन एसिडिक नेचर के होते हैं, नहीं, ओनली टर्मिनल एल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि उनके पास एसिडिक प्रोटॉन होता है, उनके पास आयोनाइजेबल प्रोटॉन होता है, और आयोनाइजेबल प्रोटॉन या एसिडिक प्रोटॉन लूज करने के बाद नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सकते हैं, दैट इज व्हाई किस नेचर के हो जाते हैं, एसिडिक नेचर के। हाँ, बट इतने ज्यादा एसिडिक नहीं होते, मान लो इनको मैं अल्कोहल से कंपेयर कर लूं, या इनको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर कर लूं, तो उनके कंपैरिजन में उतने अच्छे एसिड्स नहीं है, ये वीक एसिड है, उनके कंपैरिजन में इतने अच्छे एसिड नहीं होंगे, सो टर्मिनल एल्काइन एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपको ये पूछ रखा है कि जब प्रोपाइन, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, प्रोपाइन व्हाइट पीपीटी स्किन के साथ देगा, मैं सारे रिएक्शंस एक साथ दिखा देता हूं, तो बताइए पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, किसके साथ रिएक्ट करवा रखा है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। ठीक है जी,
ये मैंने प्रोपाइन बना लिया, ठीक है। प्रोपाइन को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? आपको मेटल देखना है सिर्फ, मेटल ही खास है, ठीक है ना। दैट इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO, AgNO3 का अमोनिकल सोल्यूशन। तो मैं लिख लेता हूँ NH4OH साथ में, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ, वो बेसिकली टोलन ही है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3 इज टोलन रिएजेंट, राइट। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3 इज टोलन रिएजेंट, टोलन रिएजेंट, ठीक है। मैं साथ में लिख देता हूँ टोलन रिएजेंट भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब बताइए मुझे, ये बता दीजिए ये प्रोटॉन किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। प्रोटॉन किस नेचर का है? एसिडिक। और साथ में आपको क्या दिख रहा है? मेटल आयन, सिल्वर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोटॉन को सिल्वर रिप्लेस कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इस प्रोटॉन को सिल्वर क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स के वैल्यूज डिफर करते हैं। ये जो सिल्वर आपका है, ये सिल्वर वाला प्रोटॉन को रिप्लेस कर सकता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बेस्ड ऑन देयर रिडक्टिव पोटेंशियल्स। जब ये इसको रिप्लेस कर देगा या इस प्रोटॉन को हटा देगा, तो बता दीजिए आपके पास क्या बनेगा? C3 ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन हटा दिया, और साथ में सिल्वर के ऊपर, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास सिल्वर का, ये सिल्वर का सॉल्ट बनेगा किसके साथ? प्रोपाइन के साथ बन गया सॉल्ट, आयनिक फॉर्म में आ गया। ये आपको देगा व्हाइट पीपीटीज, ये आपको क्या दे देगा? व्हाइट पीपीटीज, ध्यान देना, व्हाइट पीपीटीज। कल भी व्हाइट पीपीटीज हमने देख रखे थे एक में, AgCl के, AgCl। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स को AgNO3 के साथ ट्रीट करते हो, उसमें Cl हो, आयनाइजेबल Cl हो, तो व्हाइट पीपीटीज दे देता है। ये देगा व्हाइट पीपीटीज, सिल्वर से जब रिप्लेस कर दोगे या सिल्वर से जब रिएक्ट कर दोगे, तो ये व्हाइट पीपीटीज देगा, ठीक है, ओके। ऑप्शन तो ए सही हो जाएगा, व्हाइट पीपीटीज ही पूछ रखी थी ना, ऑप्शन ए तो सही है, ठीक है। बट बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन में किसके साथ ट्रीट कर रखा? सेकंड में किसके साथ? फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। सेकंड में ट्रीट कर रखा है फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिए साथ में, ठीक है। अच्छा बताइए, फैलिंग सॉल्यूशन में, इतना तो पता है आपको, फैलिंग सॉल्यूशन में मेटल आयन कौन सा प्रेजेंट होता है? कॉपर होता है, बहुत अच्छे, कौन सा हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या होगा? अब प्रोटॉन को कौन रिप्लेस करेगा? कॉपर, ठीक है। प्रोटॉन को हटा दीजिए, कॉपर लेकर आके बिठा दीजिए यहाँ पे, क्या बन जाएगा आपके पास? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव एंड CU पॉजिटिव, ठीक है, CU पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज तो आपको पता है, इसका कलर तो आपको पता है बिल्कुल, ये कैसी पीपीटीज दे देगा? रेड पीपीटीज। तो अगर रेड पीपीटीज पूछ लेता तो किसके साथ दे देता? फैलिंग के साथ। किसके साथ दे देता? फैलिंग के साथ रेड पीपीटीज दे देता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, बताइए थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है? थर्ड ऑप्शन में C3 C ट्रिपल बॉन्ड CH बेयर्स रिएजेंट दे रखा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। अब बेयर्स के साथ रीड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो बेयर रिएजेंट इज एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, कोल्ड डाइल्यूटेड एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोल्ड डाइल्यूटेड, देख लेता हूं मैं, कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4, कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4, ठीक है। अच्छा, जब डबल बॉन्ड पे बेयर्स रिएजेंट यूज किया जाता है, तो क्या कर देता है? बेसिकली बेयर्स रिएजेंट अनसैचुरेशन कंपाउंड्स में, ये बेयर्स रिएजेंट के कलर को डिकलराइज कर देता है, ये अनसैचुरेशन टेस्ट भी आ जाता है। अगर आपको ये पता करना है, मान लीजिए आपके पास एक एल्केन दे रखा है और दूसरा आपके पास एल्कीन या एल्काइन दे रखा है, और आपको ये पता करना है कि किस वाले सैंपल में एल्केन प्रेजेंट है या किस वाले सैंपल में एल्कीन प्रेजेंट है, तो एक टेस्ट आपका ये हो जाता है कि इनको एल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट कर दो, क्योंकि एल्कलाइन KMnO4 कलर्ड होता है। और अगर आपके पास कंपाउंड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट हुआ, तो ये क्या कर देगा? इसके कलर को खत्म कर देगा, डिकलराइज कर देगा। इसको क्या कर देगा? डिकलराइज कर देगा। डबल बॉन्ड में डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, बट यहां पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहां पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। देखिएगा, ऑक्सीडाइज कर देगा ये इसको, ये बना लेगा CH3 डबल बॉन्ड C, दिस इज COOH। ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट देखने को, इसको ऑक्सीडाइज करके केटोन में, इसको ऑक्सीडाइज करके टर्मिनल वाले को कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे पाइरविक एसिड, पाइरविक एसिड, बायो में भी पढ़ते हो आप, ठीक है ना। दिस इज पाइरविक एसिड, ये क्या बनेगा? पाइरविक एसिड। या अगर आप IUPAC नाम पढ़ना चाहो तो बता दीजिए, इसका IUPAC नाम क्या आ जाएगा? दिस इज 2-ऑक्सो-प्रोपेनोइक एसिड, राइट है रॉन्ग, दिस इज 2-ऑक्सो-2-कीटो-प्रोपेनोइक एसिड, पाइरविक एसिड बनेगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 में किसके साथ ट्रीट कर रखा है? ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर रखा है, दैट इज Br2 एंड H2O, इसको ब्रोमीन वाटर बोल देंगे, ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर रखा है। दो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं जनरली, आप तो
एक तो Br2 के साथ रिएक्ट कर सकते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट में CCl4 की प्रेजेंस में, या आप रिएक्ट कर सकते हो Br2 के साथ ट्रीट करवा सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। अगर नॉन पोलर में करवा दो, अगर जनरली आप नॉन पोलर में करवा दो तो नॉन पोलर में क्या हो जाता है, सिर्फ Br ऐड हो जाते हैं, ये बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड रिड्यूस, एडिशन रिएक्शन होगा, ये वाला बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, एक Br यहां पे आ जाएगा, एक Br। अगर सिर्फ Br2 के साथ ट्रीट करो CCl4 में नॉन पोलर सॉल्वेंट में, दूसरा Br आ जाएगा, ये बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, एक Br यहां पे और एक Br। लेकिन जब आप किसका यूज कर लो, ब्रोमीन वाटर का, दिस इज इंपॉर्टेंट, जब किसका यूज कर लो ब्रोमीन वाटर का, तो ब्रोमीन वाटर का यूज करने पे दोनों जगह पे Br ऐड नहीं होता, एक जगह पे OH ऐड होगा और दूसरी जगह पे Br ऐड होगा, एक जगह पे OH और दूसरी जगह पे। आप बोलोगे सर किस वाले पे Br ऐड करूं, किस वाले पे OH ऐड करूं, OH को आप मार्कोनिक ऑफ रोल के अकॉर्डिंग ऐड करना, OH को किसके अकॉर्डिंग ऐड करोगे, मार्कोनिक, तो बताइए मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग यहां पे OH जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, CH3 सी, यहां पे क्या जुड़ गया, OH। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड किस में रिड्यूस हो गया, यहां पे क्या बचा, CH, और इसके साथ क्या जुड़ गया, ये जुड़ गया, ठीक है। अच्छा इसको मैं टाटोमराइज कर सकता हूं, बताइए इस कॉम्प्लेक्स को मैं टाटोमराइज कर सकता हूं, इसको मैं टाटोमराइज कर सकता हूं, कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, इन भी और ओल भी है, तो बताइए किस में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, कीटो में, CH3 यहां पे क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, देन CH2 Br, सिंपली हाइड्रोजन यहां पे लेके आ जाओ, डबल बॉन्ड यहां पे लगा लो, ठीक है ना, दो एक मैकेनिज्म से होता है, मैं जनरली बता रहा हूं मैं इसे याद रखने के लिए, तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट, कीटोन फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। सवाल ये था कि प्रोपाइन किन के साथ रिएक्ट करने पे व्हाइट पीपीटीज देगा, तो प्रोपाइन किन के साथ रिएक्ट करने पे व्हाइट पीपीटीज देगा, टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने पे व्हाइट पीपीटीज देगा, और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने पे रेड पीपीटीज दे देगा, और अगर आप बेयर्स रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट कर लो तो ये बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज कर देगा, बेयर्स रिएजेंट को क्या कर देगा, पीछे तो मैं इसको डीकलराइज कर देगा, डीकलराइज, ये अनसैचुरेशन टेस्ट भी होता है कि ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, ये कंफर्म करता है जब ये अल्कलाइन सॉल्यूशंस को कोल्ड डाइल्यूटेड अल्कलाइन सॉल्यूशन KMnO4 का डीकलराइज कर दे, ठीक है। और ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने पे आपका OH ऐड हो जाएगा और दूसरा Br ऐड हो जाएगा, और OH ऐड हो जाएगा आपका कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे, ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट कीटोन, ठीक है। चलिए एक और सवाल पूछ लेता हूं मैं, ये बता दीजिएगा एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बताना, चार ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, इन चारों में करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बता दो, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, क्या है पहला वाला, क्या दे रखा है, पहला वाला तो नाम से एसिड जाना जाता है, पहला वाला तो खुद में एसिड है, ठीक है ना, पहला वाला कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड रखा है ना, ठीक है, पहला वाला तो आपका मिथेनोइक एसिड है, ठीक है, पहला वाला तो आपका फॉर्मिक एसिड है, तो बताइए ये फॉर्मिक एसिड है सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पीके वैल्यू बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, ध्यान देना कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पीके वैल्यू बहुत कम होता है, बहुत अच्छे खासे एसिड्स होते हैं, ठीक है। सो करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर में पहला कौन सा आ जाएगा, ए, ठीक है। अब बता दीजिए बी और सी तो अल्काइन है, और डी कौन सा है, एल्कोहल, एल्कोहल तो ज्यादा स्टेबल होगा, अब मेरे को बता दो काई को एल्कोहल ज्यादा स्टेबल होगा, अगर मैं इससे कंपेयर करूं कि सर एल्कोहल में जब आयोनाइजेबल हाइड्रोजन निकलेगा, जब प्रोटॉन की फॉर्म में आयोनाइजेबल हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, और यहां पे किसके ऊपर नेगेटिव आएगा, कार्बन पे। अब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू, दैट इज व्हाई ज्यादा स्टेबल होगा, और यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक नेगेटिव इस पे और उसके बाद नेगेटिव इस पे भी तो आ सकता है, तो ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद कौन सा, डी। अब बताइए बी और सी में से, बी और सी में से बता दीजिए, बी और सी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अभी लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, बी होगा, बी होगा, क्यों बी होगा, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हो, ठीक है, टर्मिनल सी है, सी है ना टर्मिनल, हाइड्रोजन यहां पे है ना, देखो ना सी पे हाइड्रोजन, ये है ना हाइड्रोजन, एक बताओ इस पे थोड़ी ना हाइड्रोजन होगा, इस चार बॉन्ड तो कंप्लीट, दिस इज नॉन टर्मिनल, एंड में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा दैट इज टर्मिनल, तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, सी, और उसके बाद ये नॉन टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, तो ज्यादा एसिडिक होगा। अब मुझे बताओ अगर इन दोनों को मैं फैलिंग सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करूं कौन सा वाला रेड पीपीटीज देगा,
बी और सी में, बी और सी को दोनों का मैं अगर फैलिंग सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करूं, कौन सा वाला राइट पीपीटीज देगा? सी। जिसके पास एसिडिक प्रोटॉन होगा, और एसिडिक प्रोटॉन किसके पास है? ये रिएक्ट नहीं करता, ध्यान देना, ये जो मैंने ऊपर लिखा ना, ऊपर लिखा, उनमें से लास्ट के साथ रिएक्ट करेगा, जो लास्ट वाले दो ऑप्शन थे, दैट इज बेयर्स रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करेगा और साथ साथ में ब्रोमीन वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा, बट ये रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ? टोलन रिएजेंट के साथ, और ना ही ये रिएक्ट करेगा फैलिंग सॉल्यूशन के साथ। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके पास एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, ठीक है? इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना, इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना, ठीक है, लिख लेना बेटा। बता दीजिए क्यों टर्मिनल एल्काइन्स एसिडिक नेचर के होते हैं? उनके पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होगा जो प्रोटॉन के फॉर्म में लॉस हो सकता है, ठीक है? और नॉन टर्मिनल क्यों एसिडिक नेचर के नहीं होते? उनके पास तो आयोनाइजेबल प्रोटॉन ही नहीं होता, दैट इज व्हाई ऐसा आ जाएगा। मेटलर्जी भी सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में मेटलर्जी भी नहीं है, इसको भी स्किप कर दो, ठीक है, आठ और नौ को स्किप कर दो। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है? काइनेटिक्स का सवाल है, इसी सा सवाल है, उतना बेटा सवाल नहीं है, ठीक है? बताइए क्या सवाल है? कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्स डिक्रीजेस फ्रॉम 0.2 मोलर टू 0.1 मोलर इन 10 मिनट। आपको रेट बताना है, आपको क्या बताना है? रेट बताना है, ठीक है? बताइए रेट किसके बराबर है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, राइट? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है? मैं लिख लेता हूं डेल सी अपॉन टी, ठीक है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, क्योंकि टाइम तो फिक्स दे रखा है, कोई इंटरवल तो दे नहीं रखा, इंटरवल दे रखा होता तो इंटरवल लगा लेते, ठीक है? सो रेट इज इक्वल टू, बताइए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कितना दे रखा है, कितना डिक्रीज हो जाता है 0.2 से 0.1, इतना ही घट रहा है, चेंज इतने का आ रहा है, ठीक है? अपॉन टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट्स, बताइए कितना आ जाएगा ये 0.1 अपॉन 10, ऊपर लेके जाऊंगा 0.01 बनेगा, सही है ना, 0.01 बनेगा, ठीक है? या इसी को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 0.01 को 10 रेज टू माइनस 2, बताइए सही है ना, 10 रेज टू माइनस 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है? अब जो नीचे दे रखा है ऑप्शंस में, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, बट दिक्कत किसकी पड़ेगी? यूनिट्स की। अब आपको यूनिट्स भी पहचानने हैं, बताइए रेट का यूनिट क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर? शाबाश, कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर? मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? सो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या आ जाएगा? मोल अपॉन वॉल्यूम, किसमें? लीटर्स में, ठीक है? और डिवाइड में ही क्या प्रेजेंट है? टाइम का क्या लिख लूंगा मैं, जो दे रखा भी सवाल में, कितने मिनट दे रखे थे? 10 मिनट्स में, तो मिनट्स में ही लेके चलेंगे, ठीक है? हमने कन्वर्ट नहीं किया, कितना आ जाएगा मिनट, ठीक है? दैट इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है? अच्छा, अब ये जो ऑप्शन दे रखा है, मुझे बताइए क्या मोल लीटर इनवर्स मीटर इनवर्स में कोई ऑप्शन दे रखा है? सॉरी, मिनट इनवर्स में कोई ऑप्शन दे रखा है? मिनट लिख लेना इसको, मीटर समझ जाएंगे बाद में, मिनट मिनट, ठीक है? लीटर को डीएम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कन्वर्जन सबको पता है, बताइए एक लीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब? एक, एक लीटर में एक डेसीमीटर क्यूब पता होना चाहिए आपको, ठीक है? और एक एमएल में कितना सेंटीमीटर क्यूब? एक सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? तो मैं इसकी जगह पे क्या यूनिट लिख सकता हूं? मोल डेसीमीटर क्यूब था ना, मैं ऊपर लेके आ गया तो कितना आ जाएगा? -3 और मिनट इनवर्स, ठीक है? देख लीजिए इन दोनों में से कौन सा आंसर मैच करेगा आपका, ठीक है? किस किस में कंफ्यूजन लग रहा है? ऑप्शन ऑप्शन बी दे रखा आपके पास 10^-2 मोल डीएम -3 सेकंड इनवर्स, सेकंड में तो हमने कन्वर्ट ही नहीं किया, और सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद आंसर तो बनता नहीं, ठीक है? तो गलत है। ऑप्शन सी बता दीजिए 0.01, बिल्कुल 0.01 मोल डेसीमीटर -3 एंड मिनट इनवर्स, तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका देखने को मिल जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है? अब इसके साथ में ये बता दो एक बात और, मुझे ये बता दो ये जो यूनिट्स आपके रेट क्या है, जो यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यही यूनिट्स कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है? मतलब जो यूनिट्स आपके पास आए ना, ये यूनिट्स किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आते हैं? सेम यूनिट आते हैं, किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए सेम यूनिट आ जाते हैं। कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए सेम यूनिट आते हैं? फर्स्ट या जीरो, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आर सिमिलर टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन, are similar to zero order reaction, zero order reaction, first के second inverse होते हैं,
फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट सिर्फ सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है ना। मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा बाद में, पढ़ भी रखा है आप लोगों ने कि कैसे आप यूनिट्स निकाल सकते हैं किसी भी nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, चाहे वो फ्रैक्शन में दे रखा हो चाहे वो जनरल इंटीजर के फॉर्म में दे रखा हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स दोनों के सेम होंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, दोनों यूनिट्स आपको सेम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जीरो ऑर्डर के, ठीक है, फर्स्ट के सेकंड इनवर्स हो जाते हैं। जीरो ऑर्डर का और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट सेम होगा। लिख लिया, मिटा दूं। 11 बहुत इजी है, 11 तो आप ऐसे ही बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा फेवर करेगा रिवर्स रिएक्शन को केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्स रिएक्शन को कौन फेवर करेगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूं जनरल। लेट अस से एक रिएक्शन है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में है, मान लीजिए ए प्लस बी देन सी प्लस डी, ठीक है। एक जनरल रिएक्शन मान के चल लेता हूं, मैं स्टोइकोमेट्रीज नहीं लिख रखी, मैंने मोल्स नहीं लिख रखे, जनरल इक्वेशन लिख रखा है। अच्छा, ए प्लस बी का है, रिएक्टेंट्स है। अगर मैं मान के चल लूं कि रिएक्शन यहां से यहां प्रोसीड कर रहा है, और सी प्लस डी क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। मान के चलो कि अगर फॉरवर्ड में प्रोसीड कर रहा है, अगर बैकवर्ड में प्रोसीड करे फिर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अटेन हो सकता है आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस में, ठीक है। अगर मैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करूं, ली चार्टरलियर प्रिंसिपल लगा लीजिए, अगर मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करूं तो रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में जो होगा वो हमेशा चाहेगा कि मैं अपोज करूं इस चेंज को, और वो अपोज कैसे करेगा इस चेंज को, इन रिएक्टेंट्स को किस में कन्वर्ट करके, प्रोडक्ट। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन कहां चला जाएगा, फॉरवर्ड में, ठीक है। लेट्स से दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज कर दूं तो रेट कहां जाएगा, या रिएक्शन कहां जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड चला जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करूं तब इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी। अगर मैं प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता हूं, अगर मैं प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता हूं, फिर से चेंज इस हिसाब से आएगा कि इसको नलिफाई किया जाए, इसको कॉम्पेंशिएट किया जाए अकॉर्डिंग टू ली चार्टरलियर प्रिंसिपल, तब कहां जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड बैकवर्ड, ठीक है ना, रिएक्शन प्रोसीड बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब रिवर्स, सही है ना, बैकवर्ड का मतलब रिवर्स। और समझ जाना, जब रिवर्स पूछ रखा है तो समझ जाना राइट से लेफ्ट पूछा होगा, ठीक है, तो बैकवर्ड आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, अब मेरे को ये बता दीजिए, अब मैं कैसे इस रिएक्शन को और मैं कैसे इसको फॉरवर्ड लेके आ सकता हूं। मान लो मैं रिएक्टेंट को नहीं छेड़ रहा हूं, मान लो मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज नहीं किया और मैं चाह रहा हूं कि रिएक्शन फॉरवर्ड चले, अब बताइए मैं कैसे रिएक्शन को फॉरवर्ड कर सकता हूं, अगर मैं इसको ना इंक्रीज करूं और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही खेलना, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही है, और मैं क्या कर सकता हूं, मैं फिर बता रहा हूं कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही छेड़ना है और मैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज नहीं कर रहा, बट मैं फिर बता रहा हूँ कि रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जा रहा है, ऐसा क्या हो सकता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज करता तो फॉरवर्ड जाता, ठीक है, मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज नहीं कर रहा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, अब मैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे छेड़ूं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, इसकी घटा देता हूँ, खत्म बात, उसको नहीं ना छेड़ रहा हूँ, इसको तो छेड़ सकता हूँ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को नहीं ना छेड़ रहा हूँ, इसको तो छेड़ सकता हूँ ना, इसकी घटा देता हूँ। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई गैस प्रोडक्ट बन रहा है, गैस को हटा देता हूँ, जैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन को घटाओगे तो बताओ उसके कंपैरिजन में इसका फिर से फॉरवर्ड बजाएगा, फिर से फॉरवर्ड चला जाएगा। तो दूसरा फॉरवर्ड करने का तरीका क्या होगा, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अगर मैं डिक्रीज कर दूं, और डिक्रीज कैसे होगा, कोई गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है, गैसियस प्रोडक्ट को हटा दीजिए तब भी रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ चला जाता है, ठीक है, उस टाइम पे भी रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड, उस टाइम पे भी रिएक्शन फॉरवर्ड में चला जाएगा, ठीक है। तो सवाल है, मैं उसी कॉन्सेप्ट पे लेके चल रहा हूँ अभी तक, अदरवाइज ली चार्टरलियर प्रिंसिपल में बहुत सारी चीजें पढ़ती हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ते हूँ, ठीक है। अच्छा, अब पढ़िए सवाल क्या था, सवाल आपके पास ये था कि रिवर्स कैसे जाएगा, ठीक है, समझना रिवर्स कैसे जाएगा। पहला ऑप्शन लिख रखा है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कहता अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करूं, मतलब ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा, इसने तो बैकवर्ड के लिए पूछ रखा है, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा पूछ रखा है रिमूवल ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, अब किसी भी इंटरवल में अगर मैं प्रोडक्ट को हटाता जाऊं तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा, लिखा है ना, अभी लिख रखा मैंने, अगर मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को घटाऊं, इसको मैं हटाता जाऊं, रिमूव करता जाऊं, ठीक है ना, इसको मैं अगर रिमूव करता जाऊं, कोई गैस है तो रिमूव कर दूं,
इसको मैं रिमूव करता जाऊं तब भी रिएक्शन कहां प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड में जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या लिख रखा है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन आर मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं, बताइए तब रिएक्शन कहां चला जाएगा, सिंपली बैकवर्ड चला जाएगा। तब कहां चला जाएगा, तब रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है। और फोर्थ लिख रखा है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ, तो बताइए क्या कैटलिस्ट ऐड करने से रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, एडिशन ऑफ, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ठीक है ना, ऑप्शन सी तो करेक्ट है। मैं ये वाला पॉइंट लिख लेता हूँ, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट सिर्फ क्या काम करेगा, कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, ठीक है ना, कैटलिस्ट सिर्फ ये काम करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा, किस चीज को कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ठीक है ना, ये को डिक्रीज करके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ इसके रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो रेट को डिक्रीज कर देते हैं, जैसे आपका जनरली हम पढ़ लेते हैं इसमें लिंडलर्स कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं बट जनरली इसको एक पॉजिटिव वे में लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ठीक है, पहली बात। अच्छा अब बता दीजिए कैटलिस्ट ऐड करने से क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, कैटलिस्ट ऐड करने से पहले और कैटलिस्ट ऐड करने के बाद जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा था उसी पॉइंट पे आएगा, ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, डज नॉट इफेक्ट, इट डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता, ध्यान देना इसको, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता, पहले जहां पे इक्विलिब्रियम आ रहा था कैटलिस्ट ऐड करने के बाद भी इक्विलिब्रियम वहीं पे आएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बता दीजिए क्या ये डर्जी को चेंज कर सकता है, क्या एक ऐसा रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो उसको कैटलिस्ट स्पॉन्टेनियस बना सकता है, नहीं, कैटलिस्ट ऐसा काम नहीं करता, कैटलिस्ट सिर्फ फिजिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करता है, जो रिएक्शन हो ही ना उसमें कैटलिस्ट ऐड करने का कोई बेनिफिट नहीं होता, जो हो ही नहीं रही है, जिसका डेल जी नेगेटिव है, सो डेल जी को चेंज, डेल जी डज नॉट अल्टर, डेल जी को अल्टर नहीं करता, डेल जी को चेंज नहीं करता। अच्छा क्या रिएक्शन की एंथैल्पी को चेंज कर सकता है, क्या डेल एच को चेंज कर सकता है, नहीं, डेल एच को इफेक्ट नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, ये डेल एच को इफेक्ट नहीं करता, डेल एच को इफेक्ट नहीं करने वाला, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, डेल एच को इफेक्ट आपका कैटलिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसमें बहुत सारे सवाल पहले भी आ रखे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी और डेल एच से रिलेटेड आपका जो अरहेनियस इक्वेशन है वहां से सवाल कर लेता है, या अरहेनियस इक्वेशन के बाद वाले जो फैक्टर्स इफेक्टिंग कैटलिस्ट है केमिकल काइनेटिक्स में से वहां से भी इस पे सवाल कर लेता है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक मैं दिखा दूं आपको, ये आपको पता भी होगा क्यों ये डेल एच को अल्टर नहीं करता, ये मैं बता देता हूं, बताइए बताइए सवाल क्या आपका, बता देता हूँ, बताओ किसका सवाल है, सूरत का, सूरत बताओ क्या सवाल है, सर हम कैटलिस्ट रिएक्शन को इंक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट बनाने में काम आता है, बिल्कुल, फिर फॉरवर्ड कैसे होगा, देखिए बता देता हूं, इसमें फॉरवर्ड नहीं, इसमें तो नहीं है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में लिखा ही नहीं, मैंने कहा ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन डी को मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था, कैटलिस्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं लेके जाएगा, देखो बता देखो कैसे नहीं करेगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे नहीं करेगा, इसलिए तो मैं बना रहा हूँ, देखिए और दिस इज योर एनर्जी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा, ये एनर्जी आ गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया सवाल है, क्लियर कर देता हूँ, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है जी, ये आ गया विद कैटलिस्ट, बताइए ये जो रिएक्टेंट्स मैंने रखे हैं क्या इनके पास अपना कुछ एनर्जी है पहले से, बिल्कुल है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इनके पास अपना भी है, ठीक है ना, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, एवरेज एनर्जी इसको मैं बोल देता हूँ, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी, ठीक है। अच्छा इस हाई पॉइंट तक पहुंचने में, इस सेटल पॉइंट तक पहुंचने में, इस हाई एनर्जी पॉइंट तक पहुंचने में जितना एनर्जी इसको और लगेगा, इसके पास जो है उसके अलावा जितना और लगेगा इसको मैं क्या बोल दूंगा, एक्टिवेशन एनर्जी, और इन दोनों का सम थ्रेशोल्ड जो टोटल लगेगा वो थ्रेशोल्ड, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक जो टोटल लगेगा, यहां से लेके यहां तक जो टोटल लगेगा दैट इज थ्रेशोल्ड, ऐसे लिख लेता हूं मैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा जब मैंने कैटलिस्ट लगा लिया, इसको मैं रेक्टेंजल लिख देता हूं, जब मैंने कैटलिस्ट लगा लिया तो आप देखेंगे ये जो ये है ये क्या हो जाएगा,
कंप्लीटली अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन में। जब मैंने कैटलिस्ट लगाया विद कैटलिस्ट से ये कम हो गया, विदाउट कैटलिस्ट ये बहुत ज्यादा था। आपको बहुत सारा गैप क्रॉस करना पड़ रहा था, बहुत सारी एनर्जी गेन करनी पड़ रही थी, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मुझे ये बता दो यहां से लेके यहां तक ये प्रोडक्ट्स का एवरेज एनर्जी, ये प्रोडक्ट का एवरेज एनर्जी, और रिएक्शन में रिवर्सिबल मान के चल रहा हूं, इक्विलिब्रियम में लेके चल रहा हूं मैं, ये आ गया प्रोडक्ट का एवरेज एनर्जी। अच्छा, प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा सर, यहां से लेके यहां तक अगर कैटलिस्ट की बात करूं, और कैटलिस्ट की बात ना करूं तो यहां से लेके यहां तक, सही है। अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम एनर्जीज पे हैं? नहीं, दोनों का एनर्जी डिफरेंस है, और इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस को मैं क्या बोल दूंगा, डेल एच। इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये पॉइंट क्लियर कर लूंगा पहले, ठीक है। इसको मैं क्या बोल दूंगा, डेल एच। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का कितना एनर्जी गैप है, दैट इज नोन एज डेल एच, दैट इज नोन एज डेल एच। इसको मैं डेल एच बोल दूंगा। अब जब आपने कैटलिस्ट लगाया और जब कैटलिस्ट नहीं लगाया, देखिए मैंने कैटलिस्ट यूज किया और कैटलिस्ट यूज नहीं किया, मुझे बताइए क्या डेल एच पे कोई इफेक्ट पड़ा? डेलेज तो उतना ही है, जितना पहले डेलेज था उतना ही बाद में भी डेलेज लिखने को मिलेगा। सो डेलेज को ये अल्टर नहीं करता। और अगर आप डेलेज को कैलकुलेट कर, इस पे सवाल आ रखे हैं पहले भी, फिर बता रहा हूँ, इस पे सवाल आए हैं पहले भी, ठीक है ना, कंटिन्यूटी में सवाल आ रहे हैं इस पे। डेलेज किसके बराबर हो जाएगा अगर आप डेलेज को कैलकुलेट करना चाहो? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ, ठीक है, दैट इज डेल एच प्रोडक्ट, या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जैसा भी आप निकालना चाहो, माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा, अगर ये नेगेटिव आया तो, ये नेगेटिव आया तो रिएक्शन, अगर ये नेगेटिव आया तो रिएक्शन कौन से टाइप का, एक्सो या एंडो? नेगेटिव का मतलब लूज कर रहा है, कम हो रहा है ना, कम कर रहा है, कम होने का मतलब लूज कर रहा है, एक्सो आ जाएगा। और अगर डेलेज कितना आ जाएगा तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? ये दे रखा होता सवाल में, ये चीज दे रखी होती है सवाल में, आपको पहचानना होता है, ठीक है। इसी डेलेज को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से भी। अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को कंसीडर करके डेलेज को कैलकुलेट करना चाहूं, फिर ये बराबर हो जाता है एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन ऑफ, याद रखना, अगर एनर्जी की टर्म्स में कैलकुलेट करो देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में कैलकुलेट करो देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर, दो साइन दोनों का सेम ही आ जाएगा, दोनों का साइन सेम आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, यह आ जाएगा आपका ये। अच्छा, अब इसके बाद सो क्या सवाल था, मुझे बोल गया, अब दोबारा सवाल पूछो। दोनों चीजें अलग है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है, बता देता हूँ क्या पॉइंट है, ध्यान सुनो। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, मैं लीनियरली समझा दूं, ग्राफिकली समझ में आएगा, ठीक है। ये रिएक्टेंट था, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है। मान के चल लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आ रहा था। अब इक्विलिब्रियम का मतलब आपका एक ऐसा स्टेट आएगा, या बीच में कहीं किसी भी इंटरवल में आ सकता है, एक ऐसा स्टेट आपको देखने को मिलेगा जिस स्टेट में आपके जो क्वांटिटीज होती है, जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती है, जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए पॉइंट आ गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सुनना ध्यान से। मान के चलो ये पॉइंट आपका 10 मिनट में आ रहा था, मतलब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा था 10 मिनट में, कितने में, 10 मिनट में अटेन कर रहा था, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने लगा लिया कैटलिस्ट, क्या लगा लिया, कैटलिस्ट, ठीक है। अब कैटलिस्ट रिएक्शन जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मान के चलो इक्विलिब्रियम 10 मिनट में आ रहा था और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लेट्स से 15 मिनट में, दो आपके रिवर्सिबल रिएक्शन तो कंप्लीट होते नहीं है, बट मान के चलो ऑलमोस्ट कंप्लीशन में जब मैं इसको हटाता जाऊं, जब आपने कैटलिस्ट लगाया, कैटलिस्ट क्या करेगा, इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पे आ रहा था उसी पॉइंट पे आएगा, बस ये जब 10 मिनट में आ रहा था कैटलिस्ट लगाने के बाद 5 मिनट में आ जाएगा, ध्यान देना, कैटलिस्ट सिर्फ फास्ट करेगा, इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पे पहले आ रहा था उसी पॉइंट पे बाद में भी आएगा, जिस कॉन्सेंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा था। सो इक्विलिब्रियम बेसिकली किसके बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आप निकालो ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये थोड़ी ना बदलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बदलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी उतना ही है, रिएक्टेंट भी उतना है, बस रिएक्शन फास्ट हो रहा है, यह है कि जल्दी जल्दी पहुंचोगे, जल्दी जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, बस ये चेंज नहीं करेंगे। अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट को शिफ्ट करने को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन को क्या कर देगा, अल्टर कर देगा, फास्ट कर देगा, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट आपके पास है, ठीक है। बताइए क्लियर, यहां तक मिटा दूं इसको मैं, ये ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें कंटिन्यू 2-3 समय से सवाल आ रहे हैं, क्या हुआ, रुके तो कॉल आ रहे हैं, उठा इसमें बंद कर दूं, एक रुके खुद।